इंडिया का हर एक सिटीजन, यहाँ तक कि मैं भी यही कहता हूँ कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बात है। तो इंडिया हमेशा से बाप रहा है और पाकिस्तान जो हमेशा से बेटा रहा है, तो कभी भी बाप से आगे बेटा नहीं बढ़ सकता। लेकिन इस मुद्दे पे, मतलब इस वेब सीरीज को लेकर के, इस बार मैं जो है ताज देना चाहता हूँ पाकिस्तान को। यार बहन जो सारे मिल गए हमको भाई, 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 भाई। चुड़ैल्स, पूरी रात, मतलब 5 घंटे निकाल करके इसको देखना पड़ा, क्योंकि एक ऑनेस्ट रिव्यू देना था। अब भाई इसको देख करके ऐसा लगा कि पाकिस्तानी लोगों ने जो है अमेज़न प्राइम का फोमो शॉर्ट Part 1 और Part 2 दोनों देख लिया है, और उसमें कुछ जो है अपना तड़का डाल करके, यानी सस्पेंस और थ्रिल की माँ बहन करने के लिए। मतलब हम अपने इंडिया के ही कंटेंट से इतने ज़्यादा परेशान थे, लेकिन इसमें जिस तरह से ट्रेलर दिखाया भाई, इसके अंदर का कंटेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यानी आपके साथ में यूट्यूबर तो क्लिकबेट खेल ही जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आजकल ऐसा लगता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स, मतलब एक ऐसे एंटरटेनमेंट बैनर जिसको देख करके लोगों के अंदर में विश्वास आता है कि Z5, नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम, ये सारे जगह पे जो है कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सबसे पहला सवाल है कि ऐसे टट्टी कॉन्टेंट को लोग जगह ही क्यों देते हैं। अब चलो सीधा स्टोरी की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने ट्रेलर के अंदर में देखा है कि कुछ ऐसी महिलाएं जिसमें से कोई अपने पति से परेशान है, तो कोई अपने लाइफ से, कोई अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, तो कोई जो है ये दिखाना चाहती है कि भाई वो कितनी बड़ी तुर्रम खान है। और इसी सारी चीजों को दिखाने के चक्कर में पूरा का पूरा एकदम खिचड़ी बना दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एपिसोड की बात की जाए तो एपिसोड जो है 20 से 25 मिनट लंबा है, और अगर आपने सारे एपिसोड देखने का सोच लिया, यानी 10 एपिसोड पूरा, तो भाई आपका जो है 4.5 से 5 घंटा पक्का जाएगा। और मेरे लिए तो भाई ये बहुत बड़ा टॉर्चर था, क्योंकि मैं रात को देखने के लिए बैठा और सुबह कर दिया। ट्रस्ट मी गाइस, जिस तरह से ट्रेलर के अंदर में आपको स्टोरी को दिखाया गया है और आप देख करके बहुत ही अंदर से वू फील कर लिए, तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने फोमो शॉर्ट Part 1 और Part 2 देखा है, जिसमें रीज़न तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर आपने फिर भी लड़कियों के चाहत में और लड़कियों को देखने की चाहत में वो अगर वेब सीरीज देखा है, तो भाई इसको देखना उससे भी बड़ा पाप होगा। इससे पहले मैंने तो कोई भी पाकिस्तानी सीरीज या पाकिस्तानी मूवीज तो देखा नहीं है। हाँ, वहाँ की म्यूजिक जो है हमारे यहाँ पे धड़ल्ले से कॉपी होती है, लेकिन इस बार टट्टी बनाने में जो है ना, आप इंडिया के बाप निकले हो। तो हमेशा हम लोग कहते थे कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, तो इस बार जो है ना, इस मामले में बाप आप हो, क्योंकि बॉस इंडिया टट्टी बनाती है लेकिन खर्चा दबा के करती है। लेकिन यहाँ पे ना खर्चा किया गया है ना कुछ, मतलब आइडिया को ट्रेलर के जरिए जो है सामने रख तो दिया गया है, लेकिन अंदर में एग्जीक्यूशन की पूरी माँ बहन कर दी गई है। तो स्टोरी की बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्टोरी का अगर आप 1 या 2 एपिसोड ही देख लो तो आपको जो है पूरा एंड समझ में आ जाएगा, जो कि मुझे भी समझ में आ चुका था, लेकिन फिर भी मैं देखने के लिए बैठा। और ऐसे ऐसे सीन को यहाँ पे दिखाया गया है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मतलब जिसका कंटेंट के साथ में कोई रिलेशन ही नहीं है, और एग्जीक्यूशन में मतलब समझो कि भांग खा करके यहाँ पे डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर बैठे हुए थे कि भाई इतना खर्चा कर लो और इस तरह से डायरेक्शन कर लो। तो यार ओवरऑल अगर बात की जाए तो प्लीज यार इसको देखना मतलब अपना टाइम की बर्बादी है, लेकिन फिर भी अगर ये सोच करके देखना चाहते हो कि देखता हूँ यार पाकिस्तान के अंदर में किस लेवल का टैलेंट है, तो यार जाओ जा करके अपना टाइम की बर्बादी करो। अब यार ये सुनकर के प्लीज ये मत कह देना कि हम लोग जो है फ्रेश कंटेंट या नए टैलेंट को जो है मौका नहीं देना चाहते। बॉस हम लोग इतना मौका देना चाहते हैं कि हम लोग उन लोगों का भी सीरीज देख लेते हैं जिनका कभी ना हमने नाम जाना होता है, ना ही कभी हमने थोड़ा देखा होता है। तो चलो यार सबसे पहले बात करते हैं कि इस वेब सीरीज का डायरेक्टर कौन है। डायरेक्टर वैसे मैंने सुना है कि यार काफी ज्यादा नामचीन है। अब मैं तो इतना पाकिस्तानी सीरीज देखता नहीं हूं, ना ही कभी पाकिस्तान का कॉन्टेंट देखा, बस Z5 में आने की वजह से ऐसा लगा कि भाई ये अपना है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए डाउट आया था कि ये पाकिस्तानी वेब सीरीज है। तो चलो यार सबसे पहले डायरेक्टर का नाम जान लेते हैं क्या है। इट्स आसिम अब्बासी। हाँ, और इसके अलावा जो है इसमें जो भी आपको लीड रोल में देखी गई हैं जो भी फीमेल एक्ट्रेसेस, तो वो है मेहरबानो, सरवत गिल, निम्रा बच्चा एंड यासरा रिजवी। सो डिफ़िकल्ट मैन, जितना भी नाम था ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था लेने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे नाम सुने हैं, फर्स्ट टाइम नहीं सुने, लेकिन सरनेम और नेम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही डिफरेंट है। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम होते हैं मुस्लिम्स में, लेकिन यहाँ पे मेहरबानो, सरवत गिलानी, निम्रा बुच्चा एंड यासरा रिजवी, तो ये सब आपको देखे जाएंगे लीड रोल में। और इनकी जो भी एक्टिंग की अगर बात की जाए, मुझे इनमें से किसी का भी नाम शक्ल के साथ में याद बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको कुछ कुछ लोगों के जो है एक्टिंग अच्छी लग जाएगी, लेकिन एग्जीक्यूशन में पूरी बैंड बजा दिया इन लोगों ने। और ये वेब सीरीज को देखने के बाद माइंड में सिर्फ एक ही सवाल आया कि भाई हिंदुस्तानी भाव के हवाले कर दो सारी चीज़ें, क्योंकि हिंदुस्तानी भाव जो है अच्छे तरीके से जो है इन लोगों की ले रहे हैं। मतलब एक बार एक था कबूतर का लिया था, अब लगता है मुझे Z5 वालों का भी लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर में इंडियन OTT प्लेटफॉर्म में है कैसे करके कोई पाकिस्तान, मतलब कहीं और का कंटेंट आता है मुझे पता है, पूरा वर्ल्ड वाइड कंटेंट आता है, लेकिन पाकिस्तान का कंटेंट क्यों डाला, क्यों
पता नहीं यार क्यों डाला, और डालने के बाद में इनको क्या मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर में कंटेंट ऐसा भी नहीं था जिसको देख करके हम वाह वाह करते रह जाए, क्योंकि हम लोग अपने रीजन को छोड़ करके और भी दूसरे जगह के जो भी कंटेंट आते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं देख करके, यार हमें बहुत डिफरेंट और बहुत ही अच्छा वेब सीरीज़ देखने को मिला या बहुत ही अच्छा मूवी देखने को मिला, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलो यार इससे पहले कि वीडियो ख़त्म हो जाए मैं बता दूँ, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग और इसके अलावा जो भी सीन्स थे या फिर मतलब फ्रेम टू फ्रेम अगर बात करें तो इन सारी चीज़ों की अगर बात करें तो बहुत ही एवरेज है। अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे, अगर आप इसको देखने के मूड में नहीं भी हो तो यार इट्स ओके। और जाते जाते एक सवाल, इन लोगों ने क्या सोचा था, मतलब हम लोग यहाँ पे 15 अगस्त से पहले अपने कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट डिस्प्ले करने वाले हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो इन लोगों ने सोचा था कि पाकिस्तान में 14 अगस्त को जो इंडिपेंडेंस डे होता है तो उससे पहले ये लोग जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर ले, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी कहते हैं ना कि भाई यहाँ तक वीडियो देखा है तो यार थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक का भी बटन दबाए, और प्लीज़ यार अगर आप अभी तक चैनल पर नए हो तो अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, सब्सक्राइब कर लो यार, बेल का बटन दबा लो, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, सायनोरा एंड हास्ता ला विस्ता।